विद्युत विभाग द्वारा विद्युत फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए अंडरग्राउंड वायरिंग का काम शहर के कुछ हिस्सों में पिछले कई महीनों से चल रहा है। बीती रात शास्त्री चौक से कलेक्टर चौक रोड पर विद्युत केबल बिछाने के लिए खुदाई कर रहे विद्युत कर्मियों की लापरवाही से जमीन के अंदर बिछी पानी का 12 इंच मोटा पाइप फट गया, जिसके कारण पानी नालियों में बह रहा था। इस दौरान स्थानीय लोगों को पानी की काफी किल्लत भी हुई। शनिवार को पानी का पाइप फटने की सूचना जब जलकल विभाग को मिली तो आनन फानन में स्थानीय ठेकेदार से संपर्क करके दुरुस्त करवाने का कार्य शुरू किया गया। पाइप जब तक ठीक होता तब तक लाखों लीटर पानी नालियों में बहकर बर्बाद हो चुका था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय ठेकेदार जलकल विभाग ने कहा, बिजली विभाग के अंडरग्राउंड केबल डाल रहे थे और जिससे हमारे अंडरग्राउंड 10 से 12 इंच का लाइन जो एसी पाइप है उसको अंडरग्राउंड छेद दिए और जिससे कि रातों से रात से सप्लाई भी पानी बाधा पड़ गई और इन काफ़ी पानी बह रहा है। जब मुझे सूचना हमारे अधिकारी लोगों को सूचना मिला, सुबह से हम ले करके काम बनवाने में लगे हुए हैं। पानी का तो सर लाखों लीटर पानी का नुकसान हुआ होगा। इसमें तो मेन पाइप हमारे अंडरग्राउंड पानी जाता है और कई जगह से पानी जाता है जिससे कि शहर के मतलब मुख्य जगह से सप्लाई दिया जाता है। हमारा धर्मेंद्र पांडे, हम जलकल नगर निगम के हैं। हमको कम से कम 6-7 बजे हम ठीक करा ले जाएंगे।